दोस्तों आज T20 फॉर्मेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स में से एक बन चुका है, जिसे दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ी भी दूसरे क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स के आगे तवज्जो देने लगे हैं। T20 लीग ने तो इस फॉर्मेट की लोकप्रियता में भाई चार चांद लगा दिए हैं, लेकिन तब भी इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप की बात अलग है। ICC द्वारा 2007 में शुरू की गई T20 वर्ल्ड कप की परंपरा आज अपने 6 सीजन पूरे करके 7वें सीजन की ओर कदम बढ़ा चुकी है। 7वें सीजन का आगाज दोस्तों दुबई में हो चुका है, जहां 16 टीमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ही खिलाड़ियों की जो 2007 से लेकर अभी तक के वर्ल्ड कप्स में अपनी नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हैं, साथ ही उनका चयन अपनी नेशनल टीम में 2021 के वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज। दोस्तों यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का उनके ग्लैमरस अंदाज को सूट करने वाला क्रिकेट का T20 फॉर्मेट उन्हें इतना ज्यादा प्यारा है कि उन्होंने क्रिकेट की बाकी फॉर्मेट से तो संन्यास ले ही लिया, लेकिन उन्होंने T20 को अभी तक अलविदा नहीं कहा। लंबे लंबे छक्कों और चौकों से इस फॉर्मेट में धूम मचाने वाले गेल ने T20 वर्ल्ड कप में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, जिस कारण गेल 2007 से लेकर अभी तक के सभी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं, साथ ही वो इस साल 2021 में भी अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। क्रिस गेल T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के 28 मैचेस में 40 की औसत से 920 रन बनाए हैं। ये वर्ल्ड कप शायद यूनिवर्स का आखिरी वर्ल्ड कप हो, इसलिए इस बार उनका रौद्र रूप दर्शकों को इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है। सारे क्रिकेटिंग फैंस, खासकर कैरेबियाई, उनके इस रूप की जरूर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नंबर 2, शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के सबसे अनुभवी क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक शाकिब अल हसन को भला कौन नहीं जानता। शाकिब वैसे तो शांत नेचर के खिलाड़ी माने जाते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से उनके शांत अंदाज में जो बदलाव देखने को मिला है, उसको देखकर उनकी काफी निंदा की जा रही है। लेकिन तब भी आज वो बांग्लादेश टीम के सबसे डिपेंडेबल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बांग्लादेशी टीम को कई मैचेस जितवाने वाले शाकिब भी 2007 से लेकर अभी तक T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे, साथ ही इस साल भी वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बांग्लादेश टीम की परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप्स की तरह इस बार भी शाकिब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली है। शाकिब ने अभी तक के वर्ल्ड कप्स में 27 मैचेस में 629 रन बनाए हैं, साथ ही उनके नाम 35 विकेट्स भी दर्ज हैं। नंबर 3, ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज। दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के सिपाहियों में से प्रमुख सिपाही ड्वेन ब्रावो को भला कौन नहीं जानता। T20 क्रिकेट के सबसे बेस्ट फिनिशर्स एंड ऑलराउंडर्स में से एक ब्रावो दुनिया भर में अपने यूनिक अंदाज के लिए पॉपुलर है, जो मैदान पर अनोखे सेलिब्रेशन के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी से भी काफी मनोरंजन करते हैं। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का खूब मनोरंजन करने वाले ब्रावो भी इस यात्रा में अभी तक अपनी नेशनल टीम का साथ निभा रहे हैं। 2007 से सारे वर्ल्ड कप खेलने वाले ब्रावो इस बार भी हमें अपने खेल का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। ब्रावो ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप में 504 रन और 25 विकेट अपने नाम कर अपनी टीम के लिए उनकी उपयोगिता को साबित किया है। कैरेबियाई टीम के लिए ब्रावो दो वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं। इस वर्ल्ड कप में भी उनसे कैरेबियाई फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। नंबर 4, मुशफिकुर रहीम, बांग्लादेश। बांग्लादेशी टीम के विकेटकीपर और सबसे अनुभवी और सीनियर खिलाड़ियों में से एक मुशफिकुर रहीम को भला कौन नहीं जानता। अपने बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध मुशफिकुर भी बांग्लादेशी टीम के लिए लगातार 2007 से अभी तक पिछले सारे वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग से अपनी टीम को हमेशा ही फायदा पहुंचाया है। मुशफिकुर साल 2021 में भी अपनी नेशनल टीम का हिस्सा चुने गए। मुशफिकुर ने अभी तक T20 बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हुए T20 वर्ल्ड कप्स में अभी तक 27 मैचेस में 302 रन बनाए हैं। नंबर 5, रोहित शर्मा, इंडिया। दोस्तों भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा को कौन नहीं जानता। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बड़े बड़े स्कोर्स बनाने के लिए जाने जाने वाले रोहित शर्मा भी 2007 से शुरू हुई इस यात्रा में अभी तक साथ निभा रहे हैं टीम का। एक युवा बल्लेबाज की तरह 2007 में टीम में चुने गए रोहित भारत की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 2007 के पहले वर्ल्ड कप में रोहित की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 50 रनों की पारी ने ही भारत की वर्ल्ड कप जीतने की नींव रखी थी। उस वर्ल्ड कप से आज 14 साल बाद 2021 में रोहित भारतीय टीम के सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों में से एक है। हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद 2022 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में ही खेले। बहरहाल रोहित 2021 में विराट की कप्तानी में विश्व कप में अपना जलवा दिखाने वाले हैं। अभी तक के वर्ल्ड कप में रोहित ने भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए 28 मैचेस में 673 रन बनाए हैं। दोस्तों ये थी क्रिकेटिंग नॉलेज से भरी हुई हमारी एक और वीडियो।
अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।